अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया ने एक तारीख रकम की है। इंडियन क्रिकेट टीम ने अपनी ओडीआई करियर का सबसे बेहतरीन और बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए श्रीलंका को ओडीआई में यानी तीसरे ओडीआई में शिकस्त दी है, और उस शिकस्त का मार्जिन इतना बड़ा है जिसने रिकॉर्ड बना दिया है। याद रहे इससे पहले इंडिया और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज़ खेली गई थी, जिसमें श्रीलंका को T20 सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त दी थी इंडिया ने। अब इंडिया और श्रीलंका के दरमियान ODI सीरीज़ खेली गई, जिसमें ODI सीरीज़ में अभी श्रीलंका को भारत ने 3-0 से शिकस्त दी, और तीसरे वनडे में एक जो है नया रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने। नया रिकॉर्ड कुछ यूँ है कि इंडिया ने आज के इस मैच में मुकर्रा 50 ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 390 रन का टारगेट सेट किया, और जिसमें विराट कोहली ने अपने ODI करियर की 46वीं सेंचुरी बनाई, जबकि शुभमन गिल ने भी 116 रन की आज इनिंग्स खेली। इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार बैटिंग के बदौलत इंडिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 390 रन का टारगेट सेट किया। जब श्रीलंका ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो उनकी पूरी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई और 73 रन पर पूरी श्रीलंका टीम ढेर हो गई, और यूँ इंडिया ने ODI क्रिकेट की तारीखी शिकस्त से श्रीलंका को दोचार किया है और ODI क्रिकेट की सबसे बड़ी शिकस्त दी है श्रीलंका को। आज के इस मैच में इंडिया ने 317 रन से फतह हासिल करते हुए ODI क्रिकेट में सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है श्रीलंका को। इससे पहले याद रहे 2008 में न्यूजीलैंड ने जो है आयरलैंड को शिकस्त दी थी 209 रन से। अब वो रिकॉर्ड भी इंडिया ने तोड़ दिया है, और ये रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ने आज के मैच में जो है सरंजाम दिया है। और इसके साथ ही इंडिया ने 3-0 से ODI सीरीज़ में श्रीलंका को शिकस्त दी है, और इससे पहले T20 सीरीज़ में इंडिया अपने नाम कर चुका था।